सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपको पता है कि बिहार की स्थिति कुछ दिनों से काफ़ी ख़राब थी, जिसमें लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे जल जमाव के कारण और बाढ़ के कारण, और आज भी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों के बीच एक मसीहा के रूप में पप्पू यादव आए, और पप्पू यादव ने लोगों को इस कदर मदद की कि वो बन चुके हैं हीरो। तो हम यही जानने आ गए हैं लड़कियों के बीच में कि क्या इस बार वो बिहार के सीएम के रूप में पप्पू यादव को देखना चाहती हैं। क्या कहेंगी लड़कियां, आइए लड़कियों से ही जानते हैं। नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम राशि झा है जी। और हाँ, इस बार बहुत हेल्प करा है उन्होंने, पर सीएम बहुत बड़ा पद है और उसके लिए मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें एज अ सीएम के रूप में देखना चाहती हूँ। बट मे बी फ्यूचर और सारे, मतलब अभी तो बहुत टाइम है, तो और सब के लिए मतलब कुछ और करते हैं वो, तो मे बी हमारे मन में उनके लिए कुछ ऐसी भावना आ जाए। क्योंकि अभी ये स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, और उस स्थिति में कोई नेता, कोई भी नेता या नेता प्रतिपक्ष नहीं है, लेकिन पप्पू यादव बढ़ चढ़ के सबके सामने आए, लोगों की मदद की उन्होंने, तो फिर भी आपको नहीं लगता कि वो उम्मीदवार होने चाहिए सीएम के लिए? नहीं, तो इस बात के लिए तो सच में मैंने शुरू ही में कहा कि बहुत बहुत उन्होंने किया है इस बार फ्लड में, और सच में वैसा कोई नहीं किया है जितना वो कि डोर टू डोर जा कर के सबको सामान देना, फिर सबको पूछना भी कि आप कैसे हो, तो ये सब चीज़ हर नेता में नहीं नज़र आती है। सो इसके लिए तो वो सच में अभी बिहार के हीरो बने हुए हैं। पर हाँ, मतलब ये एक 50-50% है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह सकती कि नहीं वो प्रत्याशी हो सकते या वो नहीं जीत सकते हैं, पर हाँ, कुछ लोगों के मन में ऐसा हो सकता है कि हाँ अभी उनको देखे नहीं, वैसा इमेज में कभी देखे नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा नहीं ढाल पा रहे हैं। बट यस, वो बहुत अच्छा काम किए हैं और इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो और भी लड़कियों से जानते हैं कि पप्पू यादव को एज अ सीएम, बिहार के सीएम के रूप में देखना चाहती हैं और नहीं देखना चाहती है, उनके ओपिनियंस क्या हैं, आइए उनसे जानते हैं। हमारे साथ और भी बड़ी प्यारी प्यारी सी लड़कियां हैं, उनसे हम जानते हैं कि पप्पू यादव को एज अ सीएम के रूप में वो देखती हैं या क्या है उनका ओपिनियन, आइए उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी जो बाढ़ पटना में बारिश के कारण हुआ, तो हमारे जो सीएम है नीतीश कुमार जी, इतने दो बार रहे यहाँ के सीएम, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि बारिश से पटना डूब जाता है जी। और ये काम जब उनको उनका सपोर्ट चाहिए था पटना में, तो वो यहाँ पे एरोप्लेन से आकर कहीं जाके बिस्किट गिरवा रहे थे, कहीं कुछ करवा रहे थे, तो वो बिस्किट सही से आ भी नहीं पा रहा था लोगों के पास। लेकिन पप्पू यादव को मैं यूट्यूब पर देखी, उनसे फेस टू फेस तो नहीं मिली थी, लेकिन यूट्यूब पर उनको देखी कि वो जिस तरीके से लोगों को मदद की है, तो एज अ सीएम वो ठीक अच्छे है। मतलब आप एज अ सीएम, हाँ, मैं देखना, पप्पू यादव को देखना चाहती हैं। आप क्या कहेंगी? मेरा भी यही ओपिनियन है, जब हम लोगों को नीतीश कुमार की ज़रूरत थी, तो वो हमारे साथ नहीं खड़े हुए, देन हम लोग उनको सीएम के रूप में क्यों रखें? हम एज अ जनता हम इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि पप्पू यादव हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, तो हाँ, उनको देख सकते हैं, वो अच्छा सीएम बन सकते हैं। तो मतलब आप पप्पू यादव को एज अ सीएम के रूप में देखना चाहती हैं, आप क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि ये नीतीश कुमार, जब उनका ज़रूरत था वो आए नहीं, और वो कहते हैं कि सब जरा बाहर आता है, सब प्रोमेंटिंग कर, बट यहाँ पे तो सीवरेज का प्रॉब्लम था, वो कुछ दिए नहीं, दो बार रहे सीएम बट कुछ नहीं किए, बट कयामत आया, अब ऊपर से बारिश आ रहा है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये ऐसा तो इशू थोड़े होता है, आपका ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है। मुंबई में ले लीजिए, इतना बारिश होता है तो कहाँ मुंबई की जनता डूबते हैं, है कि नहीं? लेकिन ऐसा क्या है कि पटना ही डूब जाता है बारिश के पानी से? यहाँ के दो बार रहते हुए भी यहाँ के सीएम हमको नहीं लगता कि कुछ भी किए हैं, और लोगों के बीच उनको सिर्फ पूल बनाना होता है जी। मतलब आप लोग काफी नाराज भी हैं अपने सीएम से, हाँ, कि उन्होंने कुछ किया नहीं? वो कुछ नहीं किए, हम लोग 15 साल से यहाँ वो है पटना में, फिर भी वो क्या किए? ऊपरी जो भी रहा ऊपरी रहा, आपका ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, ये क्या है? कल मैं आप ठोठला है अंदर से पटना, कुछ है नहीं बिहार में, कुछ है नहीं, सिर्फ वो स्मार्ट सिटी नाम पे इतना पैसा ले रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो क्या है? कुछ नहीं कर पा रहे कुछ नहीं कर पा रहे सीएम
क्या वो पीएम भी हमको नहीं लगता, वो बोल रहे पीएम बनेंगे, कुछ नहीं पीएम सपना भी नहीं थे, देखना सपना भी अगर वो देखे तो उनका वो पीएम ने पीएम क्या सीएम के लायक भी नहीं। हाँ मतलब लड़कियां जो है काफी नाराज है अपने सीएम से, वो यही चाहती हैं कि अगले सीएम के रूप में पप्पू यादव को देखें। और भी लड़कियां हैं, उनसे हम लगातार यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो सीएम के रूप में पप्पू यादव को देखना चाहती हैं या नहीं देखना चाहती है। आइए चलते हैं और भी लड़कियों की राय को जानते हैं। तो पप्पू यादव के सीएम को लेकर और भी इनकी क्या राय है ये जानते हैं, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम अदिति है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं मेरा राय यही है कि पप्पू यादव अच्छा काम किए, बहुत अच्छा समाज सेवा का काम किए हैं, बट मतलब इसके लिए हम उनको सीएम नहीं बना सकते, उसके लिए उन्हें और क्रिएटिविटी करनी होगी। लेकिन हाँ, ये भी सराहनीय काम था कि उन्होंने पानी में घुस के अपनी तबीयत की चिंता ना करते हुए, देखा था फेसबुक पर मैंने भी कि वो बिल्कुल तबीयत खराब होते हुए भी फिर भी बहुत सेवा किया सबका और हेल्प किया। लेकिन आपको नहीं लगता कि इतने बुरे हालात में भी वो सबके घर घर तक गए, गंदे पानी में गए और उसके बावजूद और वहाँ कोई भी नेता मौजूद नहीं थे सिवा उनके, तो फिर भी ये काफ़ी नहीं है आपके लिए कि वो सीएम के सीएम बना देना, ये कोई तरीका नहीं हुआ। मैं भी वोट देती हूँ, मैं भी मैं एडल्ट हूँ, लेकिन इसके एक व्यू से मैं उन्हें सीएम नहीं चुनूंगी। लेकिन हाँ, अगर कुछ ऐसा ही दिखते रहा आगे, जैसे अभी नीतीश कुमार का थोड़ा डाउन हुआ था यहाँ पर कि सरकार थी और कुछ उन्होंने वैसा किया नहीं, मतलब ऊपर से हवाई सर्वेक्षण किया, लेकिन जितनी सरकार थी वो सब, तो अब कहीं ना कहीं डोलेगा तो जरूर कि हाँ किसको चुने, लेकिन अभी एक व्यू से उनको चुनना मतलब बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगा मेरे विचार से। तो इनके हिसाब से जो है पप्पू यादव सीएम के रूप में ये अभी नहीं देखती हैं, क्योंकि ये एक काम से जज नहीं कर पा रही हैं कि वो रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। लेकिन हम और भी लड़कियों से जानेंगे, लड़कियां क्या कहती हैं पप्पू यादव को लेकर, एज ए सीएम के रूप में क्या सोचना है उनका, ये ज़रूर जानेंगे। और चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, तो क्या ओपिनियन है आपका पप्पू यादव को लेकर? पप्पू यादव वैसे तो मैंने सुना है कि वो बहुत हेल्प किए हैं, लेकिन एज ए सीएम वो ज़्यादा मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं, सीएम नीतीश कुमार ही अच्छा है। जैसे हम जैसे सबका अपना अपना चॉइस रहता है, तो उस हिसाब से पप्पू यादव ने जिस तरह से बिहार की बाढ़ में गंदे पानी में घुस के और कई तरह के ऐसे काम किए हैं, महिलाओं के लिए भी काम किया है, तो उसको लेके आपके ओपिनियन में कुछ चेंजेस नहीं आया? हाँ चेंजेस है, वैसे अच्छे हैं। हम लोग पहले उनके बारे में गलत व्यू था कि वो अच्छे नहीं, लेकिन इस बार हम लोग देखे, इस बार जितना प्रॉब्लम हुआ था राजेंद्र नगर की तरफ जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे वो बहुत हेल्प किए हैं सबको, बहुत जहाँ पे लोग जा नहीं पा रहे थे और जहाँ हेल्प नहीं हो पा रहा था, हेलीकॉप्टर भी नहीं पहुँचा पा रहा था, वहाँ पे अंदर लोगों को जाकर वो हेल्प किए हैं। लेकिन फिर भी आप एज ए सीएम के रूप में पप्पू यादव को नहीं देखती? हाँ चलिए कोई नहीं, ये अपने अपने ओपिनियन है, लेकिन पप्पू यादव ने काम वाकई सराहनीय किए हैं। और भी लोगों से हम जानेंगे कि उनकी क्या ओपिनियन है। नाम क्या आपका? मीनाक्षी। तो आप पहले ये बताइए, क्या पप्पू यादव के बारे में तो जानते ही होंगे आप? हाँ हम जानते हैं। तो पप्पू यादव जिस तरह से पटना के लोगों के लिए आए, उन्होंने इतना हेल्प किया, तो क्या एज ए सीएम के रूप में आप पप्पू यादव को देखना चाहेंगे? हाँ क्यों नहीं, उनका भी काम हम लोग देखना चाहेंगे, वो क्या करना चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। उन्होंने इतना कुछ किया है हमारे लिए, इन दिनों जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत था तब वो खुलकर आए, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो सीएम बने। जी तो आप चाहती हैं कि पप्पू यादव जो हैं सीएम के रूप में आए? तो मीनाक्षी जो थी हमारे साथ वो चाहती हैं कि पप्पू यादव जो हैं सीएम के रूप में आए। और भी लड़कियां हैं, उनसे लगातार हम यही जान रहे हैं कि उनकी क्या राय है, उन्होंने जिस तरह से हेल्प किया, महिलाएं हों, लड़कियां हों, औरतें हों या फिर जेंट्स हों, कुछ भी नहीं सोचा उन्होंने, रिच हो, गरीब हो, अमीर हो, सबकी मदद की है। तो क्या लोगों की राय बदली है, क्या लोग चाहते हैं कि पप्पू यादव सीएम के रूप में आए? तो यही जानने हम निकल पड़े हैं और लड़कियों से लगातार हम जान रहे हैं क्या है उनके ओपिनियन, सही जानते हैं उनसे कि क्या सोचती हैं पप्पू यादव को लेकर। तो और भी लड़कियां हैं और पप्पू यादव को लेकर उनका क्या सोचना है, आइए इन्हीं से जानते हैं, क्या कहेंगे? देखिए वो दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है, और मतलब जैसे हमारे सीएम हैं उनको आना चाहिए था सामने, बट वो नहीं आके पप्पू यादव जी आए और हम लोगों को हेल्प बहुत सारे हेल्प किए हैं, और यहाँ तक कि वो वुमेंस के लिए भी बहुत काम करते हैं, जैसे कि आपको हो गया ये आंगनबाड़ी है, उनके लिए भी बहुत हेल्प करते हैं वो, मतलब ऐसा कोई अभी कोई नहीं हुआ जिनके बारे में आवाज़ उठाई, लेकिन वो आंगनबाड़ी मतलब के बारे में वो पहले ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में उठाए और उनकी मांग पूरी करने की बात कर रहे थे पीएम से। जी तो क्या आप एज ए सीएम के रूप में देखना चाहेंगी? ऑफकोर्स देखना चाहेंगे जरूर। जी
बिल्कुल। नीतीश कुमार को अब इस बार रिप्लेस करेंगे? नहीं, मतलब रिप्लेस तो सब अपने अपनी जगह तो अच्छे होते हैं, बट एज अ सीएम अगर वो पप्पू यादव बनते तो बिहार का बहुत विकास हो सकता है। हो सकता है, आपको ऐसा लगता है कि पप्पू यादव काफी विकास कर सकते हैं? टू मी, मेरा व्यू ऐसा ही है, मेरा व्यू है उनके। तो इनके अकॉर्डिंग है पप्पू यादव बिहार के सीएम होने चाहिए और काफी विकास हो सकता है बिहार में। पप्पू यादव जो थे वो बहुत सारे सामान लेके हमारे गरीबों लोगों को हाथ से दे रहे थे, पानी में पार करके इतने पानी में वो गए थे। आपने देखा था जब वो कर रहे? न्यूज में हम सब देखे जी। तो हम चाहेंगे कि अगला सरकार हमारा नीतीश नहीं पप्पू यादव ही बने जी, क्योंकि पप्पू यादव बहुत कुछ किया है। ये पानी पटना विकास वो चाहते हैं, वो बोले थे कि हम अगर हमको ये मौका मिल जाएगा तो हम बहुत कुछ ऐसा करेंगे जी। तो ये हम लोग न्यूज में देखे। आप चाहते हैं कि पप्पू सीएम के रूप में आए? तो ये थे बिहार की लड़कियां जो चाहती हैं, कई लड़कियां हैं जो ये चाहती हैं कि पप्पू यादव सीएम के रूप में दिखे, तो कई ऐसी भी हैं जो चाहती हैं कि नीतीश कुमार ही रह जाए। लेकिन फिलहाल हम ये जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि नेक्स्ट सीएम पप्पू यादव को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और साथ साथ बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ अजय भारत, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Oh, oh, oh.